मम प्रिय विद्यार्थिनः, अहम् भवताम् हिंदी शिक्षकः अंजनी कुमार तिवारी अस्मि। नमः संस्कृताय। मैं आपको आपकी रुचिरा पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 सुभाषतानी पाठ का अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सुभाषतान के श्लोकों को पढ़ाया है। सुभाषतान के सभी श्लोकों को आप अच्छे से पढ़िए, अभ्यास के सभी प्रश्नों को बेहतर ढंग से आप हल कर लेंगे। शुरू करते हैं। पहला है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनं कुरुतु। पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन आप स्वयं करें। एक श्लोक का सस्वर वाचन करके मैं बता रहा हूँ। गुणा गुणके सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसी तरह आप सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। अगला प्रश्न है, श्लोकांशे सुरिक्त स्थानान पूरयत। श्लोकांश दिया है, श्लोक का अंश उसमें रिक्त स्थान दिया है, उसे आपको पेंसिल से भर देना है। पहला है समुद्र मासाद्य। अभी श्लोक जो मैंने पढ़ा, समुद्र मासाद्य, समुद्रम आसाद्य, समुद्र मासाद्य, रिक्त स्थान की पूर्ण करेंगे, भवन्त्य पेया। फिर है वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यहाँ हो जाएगा चौथे श्लोक में अंतिम पंक्ति, श्रुत्वा। क्या भरेंगे? श्रुत्वा। फिर है तदभागधेयम, दूसरे श्लोक की अंतिम लाइन, परमम पशुना, परमम भरेंगे। विद्याफलम कृपणस सौख्यम, इसमें क्या भरेंगे? तीसरे श्लोक में है तीसरी लाइन, व्यसनिनः। क्या होगा? व्यसनिनः। स्त्रियाम रोचमाणा, स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते भरेंगे। एक में रोचमानायाम, एक में रोचते भरेंगे। अगला है प्रश्नानाम उत्तराण एक पदेन लिखत, एक पद में लिखना है। व्यसनिनः किम नश्यति विद्याफलम, नशेड़ी के विद्या नष्ट हो जाती है, जो नशा में लत हो जाता है उसका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, तो किम विद्याफलम। अगला है कस्या रोचमानानाम सर्वम कुलम रोचते, इसको भरेंगे स्त्रियाम। क्या भरेंगे? स्त्रियाम। आगे देखते हैं, कस्य यशः नश्यति लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य यशः नश्यति, जो लोभी होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम एव, एक पद में क्या भर लिखेंगे? माधुर्यम एव, एक पद में माने एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है, माधुर्यम एव। फिर है मधुमक्षिका हो गया, फिर है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रसम के सृजंती, एक पद में लिखेंगे संतः। क्या लिखेंगे? संतः सृजंती, संतः लिखेंगे केवल, बस एक पद। फिर है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्त्वा संस्कृत पदान लिखत। तद्भव शब्द दिए गए हैं, उनको संस्कृत शब्द में लिखना है, तत्सम संस्कृत शब्द में लिखना है। एक उदाहरण दिया है, कंजूस का कृपणः, कड़वा का कटुकम, पूंछ का पुच्छ, श्लोक में लिखा है, लोभी का लुब्धः, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तृणम्। इस तरह से श्लोक में देख के आप लोग लिखेंगे। अगला है अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्त्वा लिखत। एक उदाहरण दिया है, संतः
मधुर सूक्त रसम, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति में कर्ता क्या है? संतः है और क्रिया क्या है? सृजन्ति है। पाठ पुस्तक में देखिएगा कर्ता संस्कृत में कैसे लिखते हैं, आधा ता, फिर पूरा ता, बड़े आ की मात्रा और रेप। बहुत बच्चे गलती करते हैं, कर्ता में आधा ता नहीं लगाते हैं, वो शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। यद्यपि हिंदी में ऐसे भी लिखा मिलता है, लेकिन शुद्ध संस्कृत का जो कर्ता है इस तरह लिखते हैं जैसे आपके पाठ पुस्तक में लिखा है। फिर है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, इसमें कर्ता क्या है? इसमें कर्ता है दोषाः, निर्गुणी को पा करके दोष हो जाते हैं, दोषाः भवन्ति, तो दोषाः कर्ता है, भवन्ति क्रिया है। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणवानों में गुण होते हैं, तो गुणाः कर्ता है, भवन्ति क्रिया है। इसमें गुणाः कर्ता के रूप में आया है, गुण होते हैं और गुणज्ञेषु अधिकरण कारक है, कर्ता नहीं है। ऐसे निर्गुणम प्राप्त भी कर्ता नहीं है, दोषाः कर्ता है। अगला मधुमच्छिका माधुर्यम जनयति, इसमें कर्ता है मधुमच्छिका, क्रिया है जनयेत। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, इसमें यशः कर्ता है, नाशयति क्रिया है। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति, इसमें नद्यः कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। अगला रेखांकितान पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। जो रेखांकित पद हैं उस स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो लिखिए जैसे है गुणाह गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, यहाँ पर गुणाह के स्थान पर हम लिख देंगे काह, काह गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणाह गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो क्या फिर है नद्यः सुस्वादुतोया भवन्ति, अब नद्यः बहुवचन है का के का, जैसे गुणाः बहुवचन है स्त्रीलिंग में उसी तरह से नद्यः भी स्त्रीलिंग बहुवचन है तो का हो जाएगा, का सुस्वादुतोया भवन्ति। फिर है लुब्धस्य यशः नश्यति, यहाँ कर देंगे कस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य के स्थान पर कस्य। मधुमच्छिका माधुर्यम एव जनयति, तो मधुमच्छिका के स्थान पर का माधुर्यम एव जनयति। और अंतिम है अंगा छठे का महताम प्रकृति सुस्थिरा भवति, तो महताम कह सुस्थिरा भवति, प्रकृति के स्थान पर लिख देंगे कह, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। इस तरह से आप पांचों प्रश्नों का प्रश्नवाचक वाक्य बना के लिखेंगे। फिर है प्रश्न संख्या 7, चलिए हम अगले पेज देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करना है। जैसे एक उदाहरण दिया है समुद्र मासाद्य, अलग किया है समुद्रम आसाद्य, इसी तरह से अन्य जो पद हैं इनको भी आपको अलग करना है। माधुर्यम एव अलग करेंगे तो हो जाएगा माधुर्यम मामे हलंत, माधुर्यम मामे हलंत, और फिर एव, ए एड़ी वाला ए, एव। ऐसे अल्पम एव, सर्वम एव, समानम अपि मामे हलंत, समानम धन अपि, महात्मानाम मामे हलंत धन उक्ति, जो मुक्ति लिखा है महात्माना मुक्ति हो जाएगा महात्मानम उक्ति। इस तरह से आपका ये समाप्त हुआ प्रश्नोत्तर। अब एक अलग से दिया है, लिखना नहीं है, आप समझने के लिए योग्यता विस्तार हमें प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति गुणियों की प्रशंसा सज्जनों की वाणी साहित्य संगीत कला की महत्ता चुमुखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी उपादेयता संगत पर विचार करें। सुभाषित हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं, कुछ लिखे गए हैं, इनको आप स्वतः पढ़िए, अपने मन से पढ़िए। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः
ते मृत्य लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास्त। जो विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं सबके लिए नहीं कहा गया है।